आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। सचमुच मसीह भाई बहनों, अगर आप किसी भी निराशा में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, जरूरी नहीं है अगर आप पहली बार भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको असफलताएं मिल रही, आपकी जॉब नहीं लग पा रही, अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते तो वीज़ा नहीं आता है, रिफ्यूज़ल हो जाती है, या फिर किसी भी प्रकार की ब्लेसिंग्स नहीं है, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, फिर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स, आप जो चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं हो रहा, आप जो चाहते हैं उससे बंधन पड़े हुए हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ इसी प्रॉब्लम्स का नेम, क्योंकि आज वो जाने वाली यीशु मसीह के नाम से आज आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुख, दर्द, विपत्ति, संकट, या फिर किसी भी प्रकार का आपके ऊपर रोग है, बीमारी है, डॉक्टरों ने कुछ बोल दिया भाई तेरी रिपोर्ट में ये, तुझे ये हो जाएगा, आप चिंता से घिरे हुए हैं, आप जहाँ पर देखते हैं आपको शरण नहीं मिल रही, आज परमेश्वर का वचन आपको चंगाई देकर जाने वाला यीशु मसीह के नाम से आज जो प्रार्थना होगी बंधन टूटेंगे और आप आज़ाद होंगे यीशु मसीह के नाम से। बट आपके विश्वास की ज़रूरत है, परमेश्वर सिर्फ आपका विश्वास देखता है। हालेलुया, सचमुच जितने आज विश्वास के साथ, क्या आपके अंदर राई के दाने के जितना भी विश्वास नहीं है, अरे परमेश्वर भला देखो कितना है, उसने बोला राई के दाने जितना विश्वास हो तो भी तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार होंगी। अगर आप पहाड़ को बोल दो ना, बस विश्वास नहीं है, बोलेंगे कैसे यार, पहाड़ कैसे उखड़ जाएगा। बट जिसके अंदर विश्वास होता ना 101% कि मेरे अंदर विश्वास है और मैं पहाड़ को भी बोलूँगा तो वो उखड़कर नदी में गिर जाएगा। अगर है विश्वास तो आइए करते हैं प्रार्थना। और जो भी चिंताएं हैं ना, डॉक्टरों ने जो भी कुछ बोल दिया, असफलताएं, वीज़ा, जॉब, बेबी ब्लेसिंग कुछ भी नहीं है ना, एक बार उनको साइड कर दो। हालेलुया, साइड कहाँ पर करनी है, परमेश्वर यीशु मसीह को दे दो वो चिंताएं, और खुद बिल्कुल कंफर्ट मन से, बिल्कुल हल्के मन से परमेश्वर के पास जाओ संपूर्ण मन से, कि आज जो दुआ होगी ना बंधन टूट जाएंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, आपका विश्वास होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। तो चलिए अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कई लोग जो हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और पास वाली घंटी को भी दबा सकते हैं। और सचमुच परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं आपके लिए जो है ज़रूर दुआ करूँगा। चलिए अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आज आपके लिए दुआ करता हूँ और आपकी गवाहियाँ बनेंगी। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके पवित्र पाक चरणों में आता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर, भजन संहिता 100 के अनुसार पिता परमेश्वर तेरे वचन में लिखा, धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आओ, स्तुति करते हुए उसके सम्मुख आओ। आज हर कोई बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ये पवित्र और ये सुंदर और ये पिता परमेश्वर, आपकी करुणा से हम ये समय देख पाए हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, उसकी करुणा और उसकी जो है कृपा के बिना हम उसके वचनों को पढ़ भी नहीं पाते और हम उसकी हजूरी में भी नहीं आ पाते। तो कृपया करके आज हर कोई जो भी परमेश्वर तेरे सामने अपने मुंह से अंगीकार कर रहा है, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्य कर्मों करने वाला परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर, आज हम तुझे पुकारते हैं पिता परमेश्वर। समुद्र को दो भाग करने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर, सचमुच पिता परमेश्वर, मुर्दों को जिंदा कर देने वाले परमेश्वर, लंगड़ों को चलाने वाले परमेश्वर, गूंगों को बुलाने वाले परमेश्वर, अंधों को दिखाने वाले परमेश्वर, बीमारियों वालों को चंगे करने वाले परमेश्वर, आज हम तेरे पास आते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इस दुआ को पिता परमेश्वर अपने संपूर्ण विश्वास के साथ सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा, जहां मेरे नाम से दो या तीन जने इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उनके बीच में मैं मौजूद होता हूं। तो पिता परमेश्वर, आज दो या तीन नहीं परमेश्वर, हजारों लोग पिता इस वीडियो को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह, और तेरी पिता परमेश्वर प्रेजेंस पिता परमेश्वर इस वीडियो के अंदर होने पाए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। अगर कोई अस्पताल से परमेश्वर, अगर पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार के पिता परमेश्वर बीमारी में पिता इस वीडियो को देख रहा है, पिता इस दुआ को सुन रहा है पिता परमेश्वर, वो भी अपने संपूर्ण विश्वास के साथ कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकता है, आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अगर आपको कोई बीमारी है, अगर डॉक्टर ने आपकी रिपोर्ट में कुछ बोल दिया है, अगर आपको किसी भी प्रकार का दुख दर्द है, अगर आपको किसी भी प्रकार की एलर्जी है, अगर आपको गिल्टी है, अगर आपको गांठे, अगर आपको टी
टीबी से लेके कैंसर या फिर बुखार या फिर कुछ भी जुखाम है, कुछ भी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बीमारियां, अगर आपको जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिसको बोल दिया गया कि अब इसका आप घर पे ध्यान रखें, तो वो आज अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, उसके कौड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके कौड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। अपनी आंखों को बंद करिए और एक बड़ी गहराई के अंदर जाइए कि परमेश्वर यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए उसके कौड़े मारे जा रहे हैं, उसको सताया जा रहा है, उसके मुंह पर थूका जा रहा है, उसके ऊपर उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, उसके हाथों पैरों में कीले ठोकी ठोकी जा रही हैं, और इतना कुछ करने से यानी कि परमेश्वर के सलीब के ऊपर बलिदान होने से आज हम चंगे हो चुके हैं, आज हमारे पाप धुल चुके हैं, आज हम आज़ाद हैं, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज हमारी दुआओं को सुन रहा है, और इस वीडियो के अंदर उसकी प्रेजेंस है। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जितने ने भी आज फीलिंग्स लिए पिता परमेश्वर, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। अब इसी समय पिता तू बड़े बड़े रोगियों को चंगे करने वाला परमेश्वर है, बड़े बड़े पिता परमेश्वर मसलों को हल करने वाला, सफलताओं को देने वाला, और पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला, जिस प्रकार इसहाक को तूने मल्टीप्लाई किया, तो बड़े बड़े पिता परमेश्वर आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर, जिस प्रकार पिता यूसुफ को पिता परमेश्वर तूने यहावा प्रधानमंत्री बना दिया पिता परमेश्वर, सेवक से पिता परमेश्वर, जिस प्रकार पिता परमेश्वर दाऊद को पिता परमेश्वर भेड़ चराने वाले से पिता परमेश्वर तूने राजा बना दिया पिता, उसी प्रकार पिता अगर कोई पिता परमेश्वर अगर कोई पढ़ाई में कमजोर है पिता, और पिता किसी का आईलेट्स एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा पिता परमेश्वर, या फिर किसी भी प्रकार की पिता परमेश्वर वो टीचर की पिता परमेश्वर दे रहा पिता परमेश्वर, अपनी फॉर्म भरा और पिता जॉब के लिए पिता परमेश्वर पेपर देने जा रहा है, तो पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से पिता, आज ये अपनी बुद्धि से नहीं पिता, आज तेरी बुद्धि पिता परमेश्वर इनके अंदर भर दे यीशु मसीह के नाम से पिता, तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करता चले पिता, जो रोगी है पिता परमेश्वर जिन्होंने भी आज अंगीकार किया कि तेरे कौड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता इन सभी को तेरे पवित्र पाक खून के अंदर ढांप देता हूँ, आज पिता चंगे होने पाए, ब्लेस होने पाए पिता परमेश्वर, हर प्रकार के शत्रु के पिता परमेश्वर यानी कि शैतान की हर प्रकार की योजनाओं को मैं इनकी जिंदगियों से असफल करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, अपने आप को अपने परिवार को सारे बोली अपने मुँह से अंगीकार कीजिए, अपने आप को अपने परिवार को यीशु मसीह के खून के अंदर कवर करता हूँ करती हूँ परमेश्वर, तो ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी, आप बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले परमेश्वर हैं, इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर ये बड़ी बड़ी गवाहियों को देखने पाए यीशु मसीह के नाम से, आपने दुआ को सुना आपका धन्यवाद करते, इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते और पा लेते, आमीन आमीन आमीन। सचमुच मसीह भाई बहनों अब बारी है वचन की, जितने लोग वचन सुनेंगे ना, परमेश्वर के वचन में लिखा उसने अपना वचन भेजकर उसे चंगा किया, हालेलुया। आपको पता है कि हम हर वीडियो के अंदर वचन जरूर पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बस हम 5 मिनट और वचन पढ़ेंगे, उसके बाद में जो है हम वीडियो को जो है एंड कर रहे हैं। तो चलिए जो है हम एक टॉपिक है हमारा वर्शिप, हालेलुया। भजन संहिता 81 निकाल सकते हैं आप अपनी बाइबल के अंदर, नहीं तो जो है मैं आपको बोलकर जो है आपको सुना देता हूँ, बाकी आप जो है ज़्यादा जो है देखना चाहते तो आप अपनी प्लीज़ बाइबल को जरूर निकाल दीजिएगा, हर कोई निकाले। भजन संहिता 81 के 1 में लिखा, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो, भजन उठाओ टफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ, नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, हालेलुया। क्योंकि यह इज़राइल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है, हालेलुया। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगियों में वर्क होना चाहते हैं, वर्क को देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बड़े कामों को देखना चाहते ना, एक मैं आपको पूरा कंक्लूजन बता रहा हूँ, अगर आप वचन का पालन करते हैं तो ये जो आपको चाहिए नहीं ना, यानी कि अगर आपको यानी कि चाहिए नहीं कि मतलब आपने सोचा नहीं कि ये मेरी ज़िंदगी में हो सकता है, आपको वो मिल जाएगा, बंधन टूटेंगे अगर आप परमेश्वर के वचनों का पालन करते हैं। तो सचमुच मसीह भाई बहनों हमें वर्शिप को करना चाहिए। मैं आपको भजन संहिता 100 का भी एक वचन सुनाता हूँ, यहाँ हमने 81 में भी पढ़ा, और मैं आपको एक भजन संहिता 100 का एक वचन सुनाता हूँ कि हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो आनंद से यहोवा की। आपको अब सिंपल वर्डिंग में मैं समझा रहा हूँ, मैंने बाइबल समझा रही है। भजन संहिता 100 का 2 देखो, आराधना करो जय जयकार के साथ उसके सम्मुख खाओ। सचमुच मसीह भाई बहनों
अगर आप आराधना करने के अंदर दलेर हैं, अगर आप प्रार्थना करने के अंदर दलेर हैं, बंधन टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। सचमुच हमें वर्शिप आप जरूर से जरूर करिए, जो है एक दो तीन भजन तो आप जब भी प्रार्थना करने बैठें तब जरूर बोलिया करें, या फिर आप जो है अगर न्यू बिलीवर हैं तो जरूर से जरूर परमेश्वर के अंदर बढ़ें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, हमने वचन भी पढ़े और हमने परमेश्वर की जो है आपके लिए दुआ भी की। परमेश्वर आपको बहुत याद की आशीष के साथ ब्लेस करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के अंदर बहुत गवाहियों, अनुग्रह, आशीषों, बरकतों के साथ। यीशु के नाम से जय मसीह की, हालेलुया, आमीन।